ये सुनी आपने इसकी आवाज? आवाज से ही आपको पता चल रहा होगा कितना क्रिस्पी बना है। आज हम बना रहे हैं खस्ता नीमकी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है और इतना इजी है कि आप इसे देखते ही बनाएंगे। तो फिर चलिए आज की नीम की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि देशवंश, का नाम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीम की नमकीन रेसिपी बनाने के लिए मिक्सिंग बाउल के ऊपर एक छलनी रखती है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप मैदा, इसे हम छान लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधा छोटी चम्मच काला जीरा, आधा छोटी चम्मच अजवाइन। अब हम इसमें खास्ता के लिए डालेंगे 2 चम्मच भर के घी। घी से ये नीमकी बढ़िया खास्ता बनती है। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को चलिए बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इस मिक्सचर को 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से हाथों की मदद से घिसते हुए मिक्स करेंगे। और ये देखिए मिक्सचर यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। मिक्सचर की कंसिस्टेंसी देख के आपको पता चल रहा होगा कितना बढ़िया खस्ता बनेगा हमारी नीमकी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक टाइट डो बनाएंगे। और ये देखिए इस तरीके से हमें इसका टाइट डो बनाना है। चलिए इसे कवर ला के छोड़ देते हैं आधा घंटा के लिए। आधा घंटा के बाद हम नीमकी बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए आधा घंटा हो चुका है। चलिए डो को फिर से थोड़ा गूंद लेते हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं। नीमकी की साइज आपको कितना बड़ा या फिर छोटा रखना है उस हिसाब से लोइयां बनाइएगा। और ये मैंने सारी लोइयां यहाँ पे बना ली है। चलिए एक लोइयां लेके हम बेलना शुरू करेंगे। थोड़ा सा आटा टच करेंगे ऊपर से, एकदम हल्का सा, देन हम इसे पतला करके बेलेंगे। देन हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ट्रायंगल शेप में और इस तरीके से एंड पार्ट को ऐसे चिपका लेंगे। ये देखिए ऐसे करने से नीमकी खुलेगी नहीं और अंदर की सारी जो लेयर है वो बहुत ही बढ़िया से कुक होगी। और यहाँ पे मैंने 1 नीमकी बेल करके रेडी कर ली है। इस तरीके से चलिए पहले बेल लेते हैं, देन हम चलेंगे फ्राई करने के प्रोसेस में। और यहाँ पे मैंने कुछ नीमकी बेल ली है। चलिए चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। फ्राई करने के लिए ऑयल को यहाँ पे ज्यादा गर्म नहीं करना है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ ऑयल की कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है। थोड़ा सा डो डालेंगे और ये देखिए कैसे हल्का हल्का सा बबल आ रहा है। हमें ऑयल को इतना ही गर्म करना है। तो चलिए एक एक करके हम नीमकी को ऑयल में डालते हैं। डालते ही हम इसे चलाएंगे नहीं, 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसे ही लो फ्लेम में। जैसे ही ऊपर ऐसे तैरना लग जाए तब हम इसे हल्के हाथों में पलटेंगे। नीमकी को हमें एकदम लो फ्लेम में फ्राई करना है। बीच बीच में इस तरह से अलट पलट करते हुए हम नीमकी को फ्राई करेंगे। और यहाँ पे देखिए नीमकी में एक बढ़िया सा कलर आ गया है और नीमकी हमारी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से कुक हो चुका है। तो चलिए इसे ऑयल में से निकाल लेते हैं। और यहाँ पे मैंने सारी नीमकी को फ्राई कर ली है और इसकी आवाज़ सुन के आपको पता चल रहा होगा कितना क्रिस्पी बना है नीमकी। और मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर तक कितने बढ़िया से फ्राई हुआ है, एकदम खस्ता क्रिस्पी, इतना बढ़िया लगता है खाने में। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की नीमकी रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।